सत श्री अकाल जी। सो अज जिहड़ा मैं डिज़ाइन तुहाडे नाल सांझा करन जा रही हाँ, ये मिक्सिंग इफेक्ट आ ते जिहड़े बिगनर्स आ उन्हां लई आ, खास करके बड़ा सौखा जिहा डिज़ाइन आ। सिंपल फ्लावर मैं ड्रॉ किया, एक साइड ते पत्ती दे मैं वाइट कलर लगाया, दूजी ते जिहड़ा भी तुसीं अपनी पसंद दा कलर कोई भी डार्क चुनना चुन सकदे हो, ठीक आ। और उस तो बाद थोड़ा जिहा कलर लगा के डार्क वाला, उस तो बाद ब्रश नूं साफ करके वाइट दे विच मिक्स कर देना, तो ज़्यादा क्वांटिटी दे विच तुसीं ब्रश नहीं लेना, ठीक है। ब्रश का जिहड़ा नंबर आ वह फ्लैट ब्रश का 4 नंबर, और क्योंकि फ्लावर इन्ना वड्डा नहीं आ तो इसलिए बस इन्ना कोई तुसीं चूज़ कर सकते हो। वड्डा लओगे तो फिर कलर आटोमैटिकली ज़्यादा आएगा और ज़्यादा कलर के नाल फिर मिक्सिंग दे विच प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि फ्लावर दे साइज़ ते डिपेंड करता हुंदा ब्रश का साइज़। बस इस तरह ही तुसीं इफेक्ट दिंदे जाना आ, तो दूसरे फ्लावर भी सेम बनावांगे, पत्तियां भी सेम बनावांगे, उन्नी देर तक असी कोई विचारां दी सांझ पाउने आ। जिहड़ा समा है ना, ये समा बहुत बलवान आ, मतलब जे तां तुसीं अज अपना सांभ लिया, अज वाला समा सांभ लिया तो तुहाडा आउण वाला कल आनंदमई होएगा। और जिहड़ा बीत गया कल ना, कई बार साडा समा एवें दा बीतिया हुंदा सानूं बहुत दुख दिंदा जिवें जिवें असीं उहनूं याद करते हाँ। पर जे तुसी अपने अज नूं वधिया ढंग नाल जिउ लिया, अज दे समें नूं वधिया ढंग नाल जी लिया, तो फिर तुसी जिहड़ा आ तुहाडा जिहड़ा बीत चुका कल भी होगा ना, उहनूं भी तुसी याद करके हसोंगे, आनंद च रहोगे, है ना। कि ये जिहड़ी गल कहनी बहुत सौखी आ, पर इस चीज़ नूं असी, मैनूं पता है कि मैं खुद भी जे कहा जाए ना तो अज नूं सांभना बहुत औखा आ, पर असी कोशिश तो कर ही सकते हैं, सो सानू कोशिश करनी चाहिए आ। सो उस तो बाद मैं फ्रोजी कलर नाल बना रही हूँ दूसरा फ्लावर, और जिहड़ा इहदा तरीका वा वो सेम आ, ठीक है। तो उस तो बाद जिहड़ा आ तुसी अपना समय की गल कर रही सी, और समय की गल ये आ कि कई बार असी करते की हाँ कि अज वाला काम ना कह दें, नहीं अजे नहीं मैं ये काम करना, कल करांगे, परसों करांगे, हफ्ते नूं करांगे, है ना। तो इस तरह दिन लंघ जाते हैं, हफ्ते लंघ जाते हैं, महीने लंघ जाते हैं, उस तो बाद साल भी लंघ जाते हैं। पर जे असी उस काम उस टाइम पर जो तुहानू लगा है कि हूने मैनू कर लेना चाहिए या हूँ कर लेना चाहिए, तो बस करके पर मारो, मतलब कि एवें ही आलस आलस नहीं, घट्टो घट आलस तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ना कोई एहोजा काम हुंदा जिहड़ा सानू बहुत अग्गे लै जांदा, उही काम दे करके साडी सफलता भी रुकी हुंदी है। सो वह काम जिहड़ा ना बहुत समय सिर तुहानू निबेड़ लैना चाहिदा, कर लैना चाहिदा, और साडा जिहड़ा चिंता मुक्त भी असी हो जाने हैं। कई बार सानू आने वाले समय की बहुत चिंता खांदी है, है ना, तो सानू परेशानी जी रहिंदी है, तो वह क्यों हुंदा, क्योंकि उही ना जिहड़े असी अपने काम आ वह टाले हुंदे आ। सो इस करके अपने जिहड़ा अज आ ना उहनू वधिया तरीके नाल जियो, ते तुहाडा आने वाला जिहड़ा कल आ वह बहुत वधिया होगा, बीत चुका कल अपने आप तो वधिया होगा ही होगा, क्योंकि अज जिहड़ा है ना इन्ने ही कल बनना, तुहाडा बीत चुका ते आने वाला कल भी इन्ने ही बनना, ठीक आ। ते हुण जिहड़ा अगों फ्लावर आ वह सेम मैं फ्रोजी कलर नाल ही कर रही हाँ, ते अज लई मैं इन्नी ही सांझ तुहाडे नाल पाऊंगी। ते उस तो बाद जिहड़ा आ पत्तियां करांगे, ते सेम उस तरह ही ये जिहड़ा डिज़ाइन आ बिल्कुल सौखा आ, जिहड़े बिगिनर्स आ जे पेंटिंग नहीं भी आउंदी बहुत सौखे तरीके नाल इहनू कर सकदे आ। जिवें हुण 5 पैटल्स बना लो या तुसीं 4 बना लो, जे बिल्कुल नहीं आउंदा ना तो एक पैटल ही तुसीं ड्रॉ करके उहदे ते कलरिंग करके वेखो, बहुत आसानी नाल तुहाडे तों इह जिहड़ा आ फ्लावर बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस एक गल दा तुसीं ध्यान रखना है कि जिहड़ा कलर आ ना बहुत ज़्यादा नहीं लैना, जदों असीं ज़्यादा क्वांटिटी दे विच कलर लैंदे आ ना फिर साडे तों इफेक्ट नहीं आ पाउंदा पूरा। और दूसरी गल, कई बार फैब्रिक पर भी डिपेंड करता कलर ज़्यादा या थोड़े का, ये जो तुसी करते जाओगे पेंटिंग है ना
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਵੀ, ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ, ਪਤਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾੜੇ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਪ ਕਲਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਈਟ, ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਪੈਟ ਸੋਰੀ ਫਲਾਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਡਾਰਕ ਦੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਟ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਰਕ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਟਿੰਗ ਯੈਲੋ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਡੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਦੇਖ ਸਕੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ।